जय वृंदावन धाम, जय जय श्री राधे, जय वृंदावन धाम, जय जय श्री। तो लोहा चुंबक की ओर खींचता है, पर लोहे के ऊपर आवरण डाल दो, उसको ढक दो किसी कपड़े से, फिर नहीं खींचेगा। ऐसे हमारा तुम्हारा जो चित्त है ना, इसको विषयों ने ढक दिया है, कामनाओं ने, वासनाओं ने, संसार प्राप्ति की इच्छाओं ने, भोगों ने, विषयों ने इसको ढक दिया है। इसलिए अब ये मन की सामर्थ्य खत्म हो गई कि ये श्री कृष्ण की ओर दौड़े। अब ये चाहता ही नहीं दौड़ना, अब तो डंडे के जोर से भी नहीं लगता है, मंदिर में बैठ के ठाकुर जी के सामने बैठ के भी ठाकुर जी में नहीं लगता है। सोचो कितना गंदा हो गया हमारा अशुद्ध मन, कितना अशुद्ध हो गया। तो माता जी, यही कारण है कि भगवत शरणागति की महिमा जानते हुए भी लोग शरणागत हो नहीं पाते हैं। हर जीव बंधा हुआ है। आप लोहे को बांध दो धागे से, फिर चुंबक सामने रखो। अब जो लोहा बंध गया, वो बेचारा कैसे, उसकी गति स्वतंत्र होती तो वो दौड़ता, लेकिन जिसको बांध दिया गया वो कैसे दौड़े। तो हमको तुमको भी बांध दिया गया है, हम तुम बंध गए हैं। अब किससे बंध गए? कोई बंधन तो दिखाई पड़ता नहीं, रस्सी का बंधन की, कोई जंजीर का बंधन, कुछ दिखाई देता, कुछ नहीं दिखाई देता। कैसे बंधन में हम बंध गए? कपिल भगवान देवहूति मैया को कह रहे हैं, चेतः खलवस्य बंधाय मुक्तये चात्मनोमतम, गुणेषु सक्तम बंधाय रतम वा पुंसी मुक्तये। माता जी, हर मनुष्य का जो मन है ना, वो उसके लिए बंधन कारक हो रहा है, बंधक हो रहा है। क्यों? एक ही चाबी होती है, ताला खोल भी सकती है और ताले को बंद भी कर सकती है। तो एक ही मन है, ये चाहे तो मनुष्य को मुक्त भी कर दे और चाहे तो मनुष्य को अनादिकाल के लिए बांध भी दे। तो बांधना और मुक्त होना का क्या मतलब है? बोले, बांधने और मुक्त होने का मतलब यह है, गुणेषु सक्तम बंधाय, जो मन गुणों में बंध गया, गुणों से मतलब संसार में बंध गया, वो मनुष्य को बांध देगा, और जो मन श्री कृष्ण चरणों में लग गया, वो मनुष्य को मुक्त कर देगा।